नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी और इस वक्त आपके साथ मैं हूं योगिता प्लास। शुरू करेंगे आज की हेडलाइन से। मध्य प्रदेश में सिरदर्द बना कैबिनेट विस्तार, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने एक बड़ी चुनौती। आखिर किसे मिलेगी मंत्रिमंडल विस्तार में जगह, शिवराज के करीबियों या सिंधिया समर्थकों को? मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, मिलावट पर कसावट अभियान तेज करेगी मध्य प्रदेश सरकार। अभियान के तहत सरकार नहीं करेगी किसी गरीब व्यवसायी को परेशान। मध्य प्रदेश के आगर जिले के नव नियुक्त विधायक विपिन वानखेड़े पहुंचे दिल्ली, केंद्रीय इस्पात एवं पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से की मुलाकात। जिले में इस्पात संबंधी उद्योग स्थापित कर युवाओं को रोजगार देने की करी मांग। देवास जिले के आरडीओ विभाग के अधिकारी अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर, अपने लाइसेंस और गाड़ी के परमिट के लिए दूर दूर से आ रहे लोग हो रहे परेशान। राजधानी भोपाल में आज से कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन का ट्रायल शुरू, पहला टीका लगा टीचर को, कई वॉलंटियर्स को भी लगाए गए टीके। इन वॉलंटियर्स में किसान, कारोबारी, प्राइवेट नौकरी करने वाले और बुजुर्ग भी शामिल। युवा कांग्रेस चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश में उठा पटक शुरू, कल होंगे चुनाव चिन्ह आवंटित। फिलहाल खंडवा जिले के सहगांव मुख्यालय के बड़ौदा राजमार्ग पर बोरार नदी की संकीर्ण पुलिया पर आए दिन हो रही दुर्घटनाओं को लेकर सीएसपी ने किया औचक निरीक्षण। फिलहाल के लिए इतना ही, और अन्य खबरों के लिए बने रहें वॉइस ऑफ एमपी पर।